वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज का टॉपिक है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स से रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वैक्यूल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी आप बोल सकते हैं और सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम आपके बुक में मेंशन है, तो आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैक्यूल्स क्या है? सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और फाइनली वैक्यूल्स आते हैं। तो ये फोर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ये फोर सेल ऑर्गेनल्स जो है पार्ट हैं किसके? सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, और इन चारों की स्पेशलिटी ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इनका जो आउटर कवरिंग लेयर जो है या इनका जो बैरियर लेयर है वो सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और वैक्यूल्स भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, और इसके वैक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम है जो इम्पॉर्टेंट है, आगे के क्लासेस में आपको यूज करने को मिलेगा। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये फाउंडेशन क्लास है और फाउंडेशन क्लास में आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना होता है, नाइन्थ से ऊपर आपके कुछ इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन ये है कि जो वैक्यूल्स होती है मोस्ट ऑफ सेल्स में मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब मैं ऑकरेंस की बात कर रहा हूँ और ऑकरेंस में आपको बता रहा हूँ कि जो वैक्यूल्स है ये मोस्टली सेल्स में आपको मिलेंगे। ये प्लांट सेल्स में मिलेंगे आपको, एनिमल सेल्स में मिलेंगे, बैक्टीरियल सेल्स में मिलेंगे और प्रोटोजोन्स में भी मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। ठीक है, और वहाँ के भी ऑर्गेनिजम्स में आपको वैक्यूल्स मिलेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स अभी पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स जो है ये प्रोटोजोन्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे के लाइन में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स को। ठीक है, एनिमल सेल्स पहले मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, और उनकी साइज स्मॉल होती है। आप अगर डायग्राम में बना के देखें तो आप ऐसे बता सकते हैं, सपोज करिए कि ये क्या है कि एनिमल सेल है और एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल्स हैं, स्मॉल वैक्यूल्स हैं। ठीक है, स्मॉल एंड न्यूमरस वैक्यूल्स आपको मिलेगा एनिमल सेल्स में। वेयर एज इन प्लांट सेल्स में अगर आप बनाते हैं, सपोज दैट ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल आपका है, तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैच्योर प्लांट सेल्स में। किस में? मैच्योर प्लांट सेल्स में। मैच्योर प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो है नियर अबाउट 50-90% सेल के वॉल्यूम को एक्वायर करता है। ठीक है, पूरे सेल का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 50-90% एक्वायर कौन करता है? वैक्यूल्स एक्वायर करता है। ठीक है, और ये सिंगल ही होते हैं। नंबर में कितने होंगे? सिंगल होंगे, लार्ज होगा। ठीक है, बट ये कब की मैं बात कर रहा हूँ? मैच्योर प्लांट सेल्स में। जब प्लांट सेल्स इमैच्योर होते हैं उस टाइम पे स्मॉल और न्यूमरस होते हैं वैक्यूल्स, जैसा कि एनिमल सेल्स में होता है। बट जब प्लांट सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरेशन के टाइम पे क्या होता है कि वैक्यूल्स फ्यूज होते जाते हैं और फ्यूज होकर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और बाय द वे अगर प्लांट सेल्स ने वाटर ज़्यादा अगर कंटेन कर लिया तो उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम 90% तक कवर कर सकता है पूरे सेल वॉल्यूम का। ठीक है, पूरे सेल वॉल्यूम का 90% जो है एरिया वो वैक्यूल्स कवर कर सकता है अगर वो एक्सेस अमाउंट में वाटर कंटेन करे वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स को बताया आपको। ठीक है, एक और एप्लीकेशन पॉइंट है मैं आपको बता दूँ, उसको आप नोट ज़रूर करेंगे, वो आपके मतलब नॉलेज के लिए अच्छा होगा।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट में, ठीक है, वो वैक्यूल्स जो है इनडायरेक्टली जो है प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मैच्योर प्लांट्स में मैक्सिमम वॉल्यूम वैक्यूल्स का है, ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम वैक्यूल्स का है तो उस वॉल्यूम उस वैक्यूल्स की वजह से सेल की साइज जो है वो बढ़ जाती है और उस टाइप के मैच्योर प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म का रिस्पेक्टिवली जो है अमाउंट कम होता है। दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म के कम इन्वेस्टमेंट से और वैक्यूल्स के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्लांट सेल्स की साइज बड़ी हो जाती है, ठीक है, और सेल की साइज बड़ा होना भी क्या है, एक ग्रोथ है, क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वैक्यूल्स जो है जब ज़्यादा वाटर कंटेन कर लेता है तो एक तरीके से इनडायरेक्टली वो प्लांट सेल्स में या प्लांट बॉडी में वो क्या करता है, ग्रोथ को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्यूल्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सैप वैक्यूल्स को, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप वैक्यूल्स पढ़ते हैं, आप क्लास 11th में भी वैक्यूल्स पढ़ेंगे और क्लास 9th में है, तो ज़्यादातर जो डिस्कशन होता है वैक्यूल्स का वो डिस्कशन किस में होता है, सैप वैक्यूल्स, ठीक है। मतलब कि ज़्यादातर जो कंटेंट्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो सैप वैक्यूल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। बट आपको ये पता नहीं होता है कि ये जो है लाइन जो है या इन्फॉर्मेशन सैप वैक्यूल्स का या किस से है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वह सैप वैक्यूल्स से रिलेटेड होते हैं और सैप वैक्यूल्स एक्चुअली कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स में होंगे और मोस्टली यही डिस्कस करने को आपको दिखता है बुक्स में, ठीक है। तो सैप वैक्यूल्स क्या है एक बार समझिए। सैप वैक्यूल्स का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि वैक्यूल्स के सिंगल मेम्ब्रेन है और सिंगल मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन का नेम है वो क्या है, टोनोप्लास्ट। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे ही ये है, ठीक है। आप सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन को सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा और डिटेल कर लीजिए, आप इसको सब सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सब सेलुलर मेम्ब्रेन क्या है, टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट के अंदर का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे पीएच वो लो कर देता है, मतलब कि वैक्यूल्स के अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको, वैक्यूल्स के अंदर का पीएच एसिडिक होगा और वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देखिए ध्यान से। वैक्यूल्स में मिनरल्स होते हैं, शुगर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, CO2 होते हैं, सॉलेबल पिगमेंट्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। दीज आर द कंटेंट ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। आप जब भी वैक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो वैक्यूल्स का जो अंदर का कंटेंट है वो कंटेंट सैप वैक्यूल्स के रिस्पेक्ट में मेंशन है और सैप वैक्यूल्स में यही कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। इस कंटेंट को या अंदर के पूरे इन सैप को आप बोलते हैं सेल सैप, क्या बोलते हैं, सेल सैप। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, सेल सैप। तो मैंने ये बताया आपको कि अंदर का जो कंटेंट है उसको क्या बोलने वाले हैं आप, सेल सैप, और उसी सेल सैप के अंदर क्या है, मिनरल्स है, शुगर है, ऑक्सीजन है, CO2 है, सॉल्युबल पिगमेंट्स है एंड ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट हो गए। और आपको बता दूं कि जब आप इस वैक्यूल्स के बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे कि ये आपका है साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोसॉल भी बोल सकते हैं आप, साइटोसॉल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है सल्यूट का अमाउंट हाई होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट लो होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि जो सेल सैप है उसमें जो सल्यूट है वो सल्यूट क्या होंगे, हाई होंगे, और सॉल्वेंट जो होंगे वहाँ पे क्या होंगे, लो होंगे, ठीक है। ऐसा अगर वहाँ का एनवायरनमेंट है तो वहाँ के सैप को आप बोल सकते हैं कि वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। जब भी सल्यूट ज़्यादा आपको मिले और सॉल्वेंट कम मिले तो आप बोल सकते हैं कि वो जो फ्लूइड है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले के क्लासेस में, आपको जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं वहाँ पे हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है।
अब आपको समझना होगा कि जब सेल सैप जो है वाटर जब कंटेन करेगा, ठीक है, तो वाटर जो जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको कि वैक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, इनका जो मेन जो प्राइमरी फंक्शन है जिसके वजह से वैक्यूल्स को हम जानते हैं वो ये है कि वैक्यूल्स जो है वाटर, एक्सेस वाटर को कंटेन करता है, स्टोर करने का काम करता है एक लिमिट तक, ठीक है। लिमिट क्या है, ब्रस्टिंग पॉइंट, फटने से पहले मतलब बस्ट होने से पहले तक वो वाटर को स्टोर करेगा। और वाटर जो साइटोसॉल से जा रहा है यहाँ पे, वो वाटर जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कंटेंट्स हैं लाइक मिनरल्स हैं, शुगर हैं या अदर जो कंपाउंड्स हैं या गैसेस हैं, वो कैसे जा रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। क्योंकि जब भी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट साइड से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट साइड में जब भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लगती है। मैंने स्टार्टिंग बताया ना अभी कि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है, और जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ट्रांसफर होंगे वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि लो से हाई की तरफ होगा, और लो से हाई की तरफ होगा तो ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब है कि वैक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। और वाटर जाएगा किसके थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना होगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो कंटेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ये वैक्यूल्स है, इस वैक्यूल्स में पिगमेंट्स है, और वो पिगमेंट्स जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन, ठीक है। क्लास नाइन्थ में इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये जानिए कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स जो है डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, येलो कलर, क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो कलर होते हैं प्लांट में फ्लावर्स के होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, बर्ड के होते हैं, ठीक है, और कभी कभी लीफ में भी आपको अदर देन ग्रीन कलर दिखने को मिलता है, तो वो भी जो है क्या है, वो जो कलर है वो आपके इसी पिगमेंट से आते हैं, ठीक है, से भी आते हैं, इसी पिगमेंट से भी आते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा, सेव वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, और मोस्टली आप बुक्स में इसी के बारे में आपको मिलेगा, इवन 11th में भी जाएंगे तो भी आपको ज़्यादातर डिस्कशन इस पर मिलेगा, इस पर थोड़े इन्फॉर्मेशन कम मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है इज ऑल्सो टाइप ऑफ वैक्यूल्स विच फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स यहाँ पे क्या है, अमीबा और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम में भी क्या वाटर जाता है, आता है, क्योंकि ये वाटर में ही ये प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है। तो जब वाटर जाता है आता है तो साथ में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है। वाटर गया और वाटर गया बॉडी के अंदर और फिर वाटर के साथ जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल वो बाहर आ जाता है। मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये क्या है आपका, एक अमीबा है, और अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, ठीक है, और इसमें वाटर जा रहा है, वाटर मूव करके अंदर गया, ठीक है, और ये वाटर फाइनली कहाँ पहुँचा, वैक्यूल्स में पहुँचा, ठीक है, और वैक्यूल्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उनको लेके बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये एक्सक्रीशन में भी आप एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले हैं, और इसका इससे रिलेटेड एक टर्म यूज होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन आपको हायर क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन अगर डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन होता है। लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है जब वर्क करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को वो एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फंक्शन हो गया आपका। अब हम आते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आपको बता दूं कि फूड वैक्यूल्स प्रोटोजोअन्स में हैं, लोअर एनिमल्स में हैं, और एक्चुअली में फूड वैक्यूल्स होता क्या है,
ये जस्ट लाइक लाइसोसोम्स की तरह वर्क करते हैं, इट इज एक्ट एज फूड वैक्यूल्स एक्ट एज लाइसोसोम्स। और आपको पता है, मैंने आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होने वाला है, सपोज दैट कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लिया आपने एग्जाम्पल में, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने ये कंसिडर कर लिया कि ये क्या है, उसका फूड वैक्यूल्स है, ये क्या है फूड वैक्यूल्स, और इसके अंदर क्या है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, क्या है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स को जैसे ही फूड मटेरियल मिलेगा वो फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फूड मटेरियल एक्चुअली में मिलेगा कहाँ से, उसको सराउंडिंग से मिलेगा, फूड मटेरियल अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फूड मटेरियल इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, और फ्यूज़ होने के बाद एंजाइम जो होगा वो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा जैसे कि लाइसोसोम्स करता है। लाइसोसोम्स के फंक्शन में मैंने बताया था कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेल या ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा फूड मटेरियल्स को, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसी टाइम पे एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये आपका फूड वैक्यूल्स हो गया। फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स आपके बुक्स में इनडायरेक्टली दिए हुए हैं बट डायरेक्टली नहीं दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स में सिंपली जानिए कि ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट है। कहाँ पे है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, और इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये डिफरेंट टाइप के रेडिएशन से बचाते हैं। इवन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया अगर किसी फ्लूइड एनवायरनमेंट में फ्लोट करता है, ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फ्लोट करता है, तो उसकी फ्लोटिंग के लिए भी ये गैस वैक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझिए कि फ्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा गैस वैक्यूल्स। ठीक है, देन वो प्रोटेक्शन करेगा किससे, डिफरेंट टाइप के हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने वैक्यूल्स की टाइप डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपके बुक में वैक्यूल्स में इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में मेंशन है, वो क्या है कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड और लिक्विड। मतलब वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में। कभी कभी इसमें फूड रिजर्व भी होता है, फूड मटेरियल्स स्टोर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि फूड मटेरियल्स ये ट्रांसफर होकर यहाँ जाता है और फिर वहाँ पर डाइजेशन होता है, तो वो यहीं पे एग्जांपल सेट होगा आपका। देन एल्कोलाइट्स भी कभी कभी होते हैं, टेनिन होते हैं, एल्कोलाइट्स और टेनिन्स जो होते हैं ये एक्चुअली में ये थोड़े ये हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी प्लांट सेल्स में ये अगर स्टोर है तो इसके स्टोर होने से क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर कैटल्स या हर्बीवोरस एनिमल्स उस प्लांट को खाएंगे नहीं, तो प्लांट का क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या है, वैक्यूल्स की लाइन है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वैक्यूल्स के बाद अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स इसलिए क्योंकि इसका ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए होता है, और साथ ही साथ प्रोटीन मेकिंग मशीनरी भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन मेकिंग मशीनरी भी प्रेजेंट होते हैं और अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड में भी प्रोटीन मेकिंग मशीनरी होते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टिड में भी डीएनए अपना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने लिए वो ये खुद से प्रोटीन बनाते हैं, अपने बहुत सारे जो है नीड जो है वो खुद से पूरा कर लेते हैं, सो दैट इनको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को किसने रिपोर्ट किया था। कोलिकर ने रिपोर्ट किया था, इंसेक्ट मसल सेल्स में देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम है वो किसने दिया था, बेंडे ने दिया था। बेंडे, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेम जो है किसने दिया था, बेंडे ने दिया था। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको नोट करना होगा। दूसरी चीज़ कि जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। ठीक है,
जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं या अदर जो भी हैं उनसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं इनके डिटेल स्ट्रक्चर को। डिटेल स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा, ठीक है। देन आफ्टर मैं बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनके डिफरेंट शेप होते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप बनाया है और इसके अलावा ओवल शेप में भी होते हैं, ठीक है। ओवल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट शेप के होते हैं और शेप के बाद जो है हम चलते हैं इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर पे। तो पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब यहाँ पे जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा परमेबल होता है, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन से इजिली जो है मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाते हैं। वेयर एज इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन से जो है मॉलिक्यूल्स इजिली क्रॉस नहीं होते हैं, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन या इसका कॉम्पोजिशन आप बोल सकते हैं कि स्लाइटली क्या है, डिफरेंट है आउटर मेम्ब्रेन से। कॉम्पोजिशंस में जो भी कंपाउंड्स हैं उनका रेशियो डिफरेंट है इनर मेम्ब्रेन का, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये ऑलमोस्ट परमेबल है, जितने भी डिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको इजिली क्रॉस करने देते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो है एक स्पेस है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये दोनों के बीच का स्पेस है, ठीक है। अब आते हैं अंदर के स्ट्रक्चर पे। अंदर मैं बता दूं कि ये जो रेड लाइंस दिख रहे हैं ये कहीं कहीं पे इनफोल्ड हैं, कहीं कहीं पे क्या है, इनफोल्ड है। ये देखिए आप, इनफोल्ड हो रहा है, यहाँ पे इनफोल्डिंग और यहाँ पे इनफोल्डिंग हो रही है। तो ये जो इनफोल्डिंग है इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। और पूरे इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीसोम्स जो हैं ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम्स जो है यहाँ पे जो दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन्स पे ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ऑक्सीसोम्स का सेकेंड नेम जो है वो क्या है, F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और थर्ड नेम इसका क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होते हैं, एक सिंगल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ATPase, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है ऑक्सीसोम्स में, एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा ATPase, और ये ATPase ATP के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब अंदर आ जाते हैं तो अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा, अपना ओन DNA मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, अपना ओन राइबोसोम्स मिलेगा, और साथ ही साथ वो सारे चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या बनता है, ATP फॉर्म होता है। और एक्चुअली मैं बता दूं कि क्रैब साइकिल्स जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का, क्रैब साइकिल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का ये पार्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन का ये क्या है, पार्ट है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिसिस आता है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्रैब साइकिल, और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों जो है इवेंट जब कंप्लीट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, 36 to 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। जब तीनों होगा तभी ये 36 to 38 ATP फॉर्म होंगे, ठीक है। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको बता दूं कि ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में होता है। अभी जस्ट आपके डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये क्या है, ये अंदर का जो फ्लूइड एनवायरनमेंट है ये क्या है, मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होगा, ठीक है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसको लर्न करिए पहले, तो आप क्लास 9th में है तो लर्न करना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। और इस सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, और फाइनली क्या होता है, 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
इसको भी डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइटोसॉल में होता है, या साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं आप इसको। साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ये पहले होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, ठीक है। और फाइनली हमको क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? एक तरीके से एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एक तरीके से क्या है? एनर्जी सोर्स है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन का इवेंट कंप्लीट होता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन के इवेंट कंप्लीट होने से एटीपी फॉर्मेशन होता है। और एटीपी जो है वो क्या है? एनर्जी करेंसी है। उस सेल के लिए क्या है, या अदर भी किसी पार्ट के लिए क्या है? एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जाना जरूरी है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब होता है तो वहां पे ऑक्सीजन भी यूज होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे क्या यूज होता है? ऑक्सीजन यूज होता है। और ऑक्सीजन यूज होने की वजह से ही क्या होता है? ज्यादा एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है। ज्यादा एटीपी फॉर्म होते हैं। 36 से 38 एटीपी तभी फॉर्म होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस टाइप के रिस्पायरेशन को आप बोल सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। जब भी ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज होगा तो उस रिस्पायरेशन का नेम क्या होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ज्यादा एनर्जी फॉर्म होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यूजुअली आप जानते हैं कि सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है परफेक्ट आंसर होगा। रफली आंसर देना होगा तो सेल आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका सेलुलर रिस्पायरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो है ये वेरिएबल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है ये वेरिएबल है। जिस भी सेल्स में आपको ज्यादा यूज दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, या एटीपी का ज्यादा यूज दिखेगा, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होंगे। जैसे आप स्पर्म सेल ले लीजिए। स्पर्म सेल में टेल का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। आपको बताया ना यहाँ पे कि एटीपी क्या है? एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एक एनर्जी करेंसी है वो, क्या है? एटीपी इज ए एनर्जी करेंसी। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा? ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है स्पर्म का, वो स्पर्म के अंदर जो टेल है उस टेल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होंगे वो नॉर्मल सेल से ज्यादा होंगे। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि आप स्केलेटल मसल्स का ले लीजिए। स्केलेटल मसल्स में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे ज्यादा वर्क होगा, जहां पे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी, वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी बनाता है, और एटीपी से ही हमको जितने भी मैकेनिकल वर्क होंगे वो होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल आपको बताया, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड भी क्या है? आपका सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।